हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? नलदेश्वर। और मेरे साथ मेरे प्यारे दोस्त हैं, जिसमें से आरिफ जी हैं, सोनू भाई हैं, ये हमारे अज्जू भाई हैं, आमन भाई है, और हमारे भाई नाम बताइए अपना, हिमांशु भाई है। गाइस, 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी है, ये पर्वतमाला हमें वो पर्वतमाला पे जाना है, नलदेश्वर की। कुछ हिस्ट्री बता रहे थे हमारे सोनू भाई, इनसे आपको मिलाते हैं। हाँ तो सोनू भाई बताइए, नलदेश्वर के बारे में कुछ बताइए, आपके क्या व्यू पॉइंट है यहाँ पे? यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, सबसे प्राचीन है यहाँ का। अच्छा, और ऐसा कहते हैं कि जब कभी पांडव जो है ना, उन्होंने यहीं पे विश्राम किया था नलदेश्वर में। अच्छा, ऐसी यहाँ की कहावत है, लोग ऐसा कहते हैं, अटूट झरना बहता उस टाइम से लेकर आज तक यहाँ पे। वेरी गुड। तो ठंडे और गर्म पानी के कुंडे हैं, और दोस्तों यहाँ पर जो पानी के कुंड हैं, उन कुंड में आज हम आपको स्नान करके दिखाएंगे, स्विमिंग करके दिखाएंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा प्राइवेटली, बाकी देखते हैं क्या रहता है। हम लेकिन आपको पूरा लाइव प्रदर्शन दिखाएंगे, हमारे आरिफ जी उसमें स्विमिंग करेंगे, स्टंट दिखाएंगे, स्टंट स्टंट, ये हमारे स्टंट मैन है हमारे। बस अभी पहुंच करते हैं माउंट एवरेस्ट, कई का हमारा सर है गुरु शिखर भाई का फोटो आने से बढ़िया था भाई। आजा भाई, निर्देश देश मान, थैंक यू, पानी में चल कर देता हूँ। भाई जब हम आ गए हैं नंदेश्वर मंदिर, आप यहाँ का व्यू देख सकते हो, झरना देख सकते हो, गजब है गजब, काफी शानदार नजारा है यहाँ पे। और मेरे साथ मेरे भाई हैं, ये पीछे जो है नलदेश्वर का मंदिर भी है, ये जो झरना दिख रहा है आपको पीछे, ये हमेशा इसी तरीके से बहता रहता है, यहाँ पर पानी बहुत जबरदस्त तरीके से आता रहता है, और यहाँ का व्यू गजब यार गजब, मतलब हम थोड़ा चलने में ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं कहाँ पर है, पहाड़ों के बीच में है गाइस, हम स्वर्ग में आ गए हैं। वाकई अगर कहीं जन्नत है तो यहाँ पर है, जब अपन देखते हैं चारों तरफ ये पर्वत पहाड़, अब ये देखिए, ये दीवारों पर देखिए क्या गजब का नजारा है, ये देखिए गजब, मतलब ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं दुनिया में, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार आप और बात कीजिए, बाकी अभी कोशिश करता हूँ पर मंदिर तक जाने का, बारिश का मौसम हो रहा है, बाकी देखते हैं पट्टागर मंदिर के खुले होंगे, आपको मंदिर का हम दर्शन भी करा देंगे। मजा आ गया, मतलब अगर दुनिया में कहीं हकीकत में बोलते हैं कि एक अच्छा व्यू होना चाहिए, इससे खतरनाक व्यू कहीं नहीं हो सकता, जबरदस्त व्यू है। और आप करिए आप नलदेश्वर है, लेकिन जब आप शुरुआत करोगे तो आपको लगेगा कि यार पता नहीं चारों तरफ पर्वत पहाड़ है, कहाँ जाना है, लास्ट आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब लास्ट में आप आओ ये वाला नजारा देख के आप गदगद हो जाने वाले, आपको इतना मजा आने वाला है, बहुत जबरदस्त। बेसर थैंक यू यार, थैंक यू ब्रदेश भाई, ओके मिलते हैं अपने भाई से फिर दोबारा।
गाइस अभी हम चले जा रहे हैं मंदिर की तरफ। अभी मैं और मेरे दोस्त यहाँ पे झरने पे थोड़ा नहाएं और कोशिश कर रहे हैं अभी दूसरा झरना आपको दिखाएं। ट्रैकिंग के लिए काफी अच्छा है यहाँ पे लोकेशन। सोनू भैया थक गए मंदिर जाने की, अब इनकी अच्छा नहीं हो रही, इनको लग चुकी है। गाइस ये थोड़ा खतरनाक भी है, कोशिश कर रहे हैं आपको पूरा हम दिखाएं यहाँ का व्यू। अरे भाई वीडियो ऑन है, ऊपर चलो ना यार। हाँ यहाँ पे ये व्यू आप देख सकते हैं। हम आ चुके नंदेश्वर फोन की तरफ। यहाँ पे मेरे साथ आरिफ भाई हैं, सोनू भाई हैं। हेलो सोनू भाई, तो थोड़ा एक और व्यू दिखा देता हूँ दर्शकों को। यहाँ पे पीछे की साइड कुछ कमरे वगैरह हैं, ये काफी प्राचीन जगह है। आगे का व्यू दिखा दर्शकों, कैसा लग रहा है हमारा वीडियो? गजब है, गजब। हाँ गाइस चल रही है यहाँ पे, अब मैं आपको दिखाता हूँ नीचे का व्यू। हर हर महादेव। मुझे तो गाइस सच्ची में काफी ऊपर है, काफी ऊंचाई पर है, थोड़ा रिस्क भी, लेकिन हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो। तुम्हारी भाई सब्सक्राइबर्स के लिए क्या कर बोलोगे, मैसेज है कोई? एक साथ मैसेज देने वाले थे हम। ये देखिए पहले आप क्या गजब कर रहे हो, आपका मन करेगा एक बार यहाँ आ गए तो दोबारा भी आने का मन। गजब, आप लोग आओ लाइक सब्सक्राइब तो साथ में कर ही आओ। और यहाँ का व्यू वो इतना खतरनाक है, मतलब अगर कहीं कहते ना कि करोड़ रुपए खर्च कर ले तब भी ये व्यू नहीं मिलेगा, वाकई में गजब का एकदम। ये लीजिए गाइस, नेचर लवर के लिए काफी अच्छी जगह है। फाइनली मंदिर में आग पहुंच चुका है। ये हमारे भोले बाबा हैं। एक मिनट, भोले बाबा, भोले बाबा। फाइनली हम आ चुके हैं और मंदिर के दर्शन हमने आपको करा दिए हैं। अजय भाई, अमन भाई, हाँ ये हमारे अमन भाई हैं। यहाँ पे आ चुके हैं अब हम मंदिर से वापस जाने के लिए, बाकी आप व्यू देख सकते हैं। मैं यूट्यूब पे डालूं, एक मैंने सीन देखा अभी, एक बेटा अपनी माता को कंधे पे ले जा रहा है मंदिर की तरफ, तो ये श्रद्धा का भाव है इनका। लगभग 150 सीढ़ियां चढ़ के जाएगा, लगभग 150 से 200 सीढ़ियां ये चढ़ के जाएंगे इनको ले जाते हुए। गाइस
नदी को पार करते हुए घर की साइड जा रहे हैं। मंदिर के हमने दर्शन कर दिए, आपको भी करा दिए। अभी अमन भाई निकल रहे हैं नदी पार करते हुए। कोई नदी अब क्या जा रही है तो देने की कोई संभावना। ये हमारे अज्जू भाई आ गए हैं, गाइस वीडियो देख के बताइएगा आपको कैसा लगा, क्योंकि एक न्यू एडवेंचर था मेरी लाइफ का सबसे बड़ा। और सबसे बड़ी बात है मेरे पुराने दोस्त जिगरी दोस्त मिल गए, स्कूल टाइम के सबसे मेरे फेवरेट, कम से कम 10 साल के बाद मिलना हुआ है। और आज के एक्सपीरियंस के बाद दोस्तों ने मेरे से भगवान से दुआ कर रहे हैं कि मैं दोबारा ना मिलूं इनको। कि ऐसी जगह ले आया इनको, एक्सपीरियंस के नाम पे मजे ले लिए। अरे भाई कुछ तो बोलो। हाँ तो ये हमारे दिल्ली दोस्त हैं। अरे भाई यहाँ का जो व्यू है ना भाई खतरनाक, और गर्लफ्रेंड के साथ तो भी ज्यादा मजा है। लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं देखा यार, पता नहीं था कितना अच्छा व्यू है। तो बहुत सारी चीजें हैं और आने वाले टाइम में ये अगली अपनी अपनी भाभियों को लेकर आएंगे भाई, मतलब मेरी भाभी को। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मजा तब आता है जब कपल्स आए और इंजॉय करने के लिए बहुत अच्छी जगह है गजब। और सबसे बड़ी एक खासियत यहाँ पे ये है कि मतलब आप जब जब यहाँ से जाओगे ना तो आपको रास्ते में कम से कम 5 बार तो उस नदी को क्रॉस करना पड़ेगा, झरनों को क्रॉस करना पड़ेगा। और नेचर का जो व्यू है वो काफी शानदार है, वीडियो को आप देखकर समझ ही सकते हैं कि नेचर का व्यू, साथ में बारिश रिमझिम। आने से पहले एक बार कॉन्टेक्ट जरूर करें, हो सकता है आपको रास्ता ना मिले, हम रास्ता भी बताएंगे आपके लिए। जो मेन गेट है वो भी बताएंगे, लोकेशन अभी पहुंच रहे हैं मेन गेट पर। और फीमेल्स के लिए काफी अच्छा ऑफर है, आरिफ भाई से कॉन्टेक्ट करें, ये आपको पूरा ट्रैकिंग करा के देंगे। यहाँ पे ये टूरिस्ट गाइड का भी काम करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे पूरा कंडीशन बताते हैं क्या हुआ है कुछ ना हुआ। वो हमारे काफी अच्छे टूरिस्ट गाइड भी रही है। यस। बारिश के मौसम में बस बस दिक्कत एक ही आ रही है कि अच्छे से चला नहीं जा रहा, बिना सूट देखो हाथ में, ये देख मैंने तो शूज पहन रखे हैं। वो अलग बात है, काफी ज्यादा ये भीग चुके हैं और गीले जूतों से ही जा रहे हैं। और मौसम आप देख सकते हैं, बारिश का फुल मौसम है। अगर यहाँ बारिश, लेकिन अगर हाँ बारिश अगर ज्यादा आ जाती है तो दोस्तों काफी बड़ा रिस्क हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि झरने का प्रेशर है काफी ज्यादा आ जाता है, साथ में पहाड़ों से भी झरने बहने लग जाते हैं और पहाड़ के पत्थर भी नीचे गिर जाते हैं, तो काफी डेंजर भी हो सकता है। तो मौसम को देखकर ही आए, हमें तो खतरों से खेलने का आदत है तो हम तो चल पड़ते हैं। बस अब हम चल पड़े हैं हमारे घर की साइड, जल्दी से गाड़ी की साइड जाते हैं। बस हमारे सोनू भाई के थोड़े से हाथ में लग गई थी ट्रैकिंग करते हुए, थोड़े स्लिप हो गए थे, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। बाकी नेचुरल व्यूज है गाइस, आप देख सकते हो काफी अच्छा है, मतलब देख के खुश हो गया, दिल खुश हो गया लाइफ में फर्स्ट टाइम। अज्जू भैया को दिखाना चाहते हैं। जी अज्जू भैया बताइए, कितनी शानदार बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई दिखाओ कहाँ पर है दोस्तों को। बटरफ्लाई यहाँ देखी है अभी अज्जू भाई ने, बटरफ्लाईयों का एक झुंड जो कि बड़ा ही नेचर को, मतलब आज दिल खुश हो गया क्योंकि काफी दिनों के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ मिला हूँ। और हेक्टिक जो लाइफ है दोस्तों, प्रोफेशनल लाइफ रहती है, उसमें क्या हम हमारे पर्सनल लाइफ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों के लिए मैं कहता हूँ टाइम निकालना चाहिए, आपको टाइम निकाल के ऐसी जगहों पे आना चाहिए, ब्लॉग बनाना चाहिए और नेचर का आनंद लेना चाहिए दोस्तों। अभी हम चल रहे हैं, बस हम हमारी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। एक नदी और आ रही है, अभी एक नदी और आएगी, उसको और क्रॉस करेंगे। बाकी मजे आ गए हैं आज ट्रैकिंग में। ये एक अलग ही एडवेंचर रहा है हमारी लाइफ का। यहाँ पे हाँ सांप और जानवर भी काफी मिलते हैं, रास्ते में उनको 2 सांप मिले थे लेकिन इजिली हमने उनको क्रॉस कर लिया था। लेकिन दोस्तों आप आए तो सावधानी पूर्वक आए, बारिश आ गई है।
गाइस बारिश आ गई है, झरना भी आ गया है, काफी तेज रिमझिम स्टार्ट होने वाली है। बस हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, अदरवाइज हम यहाँ पे स्टक हो जाएंगे, फंस जाएंगे। यस, वी डिड इट। आज का एडवेंचर काफी मस्त रहा और अब हम एक और नदी की तरफ आ गए। तो इस नदी का मैं व्यू दिखाता हूँ सबसे पहले आपको, अभी इसको भी क्रॉस करना है। ये नदी और ये मैं और ये खूबसूरत वादियां। मैं थोड़ा वेट करता हूँ क्योंकि अभी मेरे दोस्त हैं वो आ रहे हैं, वो थोड़े पीछे रह गए, मैं काफी आगे आ गया हूँ। रिकॉर्डिंग अभी यहाँ पे स्टॉप करूंगा, मैं पहले क्रॉस कर लेता हूँ, देन मैं दोबारा अगेन स्टार्ट करता हूँ रिकॉर्डिंग। फाइनली ये शायद लास्ट नदी थी जो मैं अभी क्रॉस करी है, मेरे दोस्त भी अभी क्रॉस कर रहे हैं इस नदी को। अरे भाई बीच में स्टॉप हो गए, शायद जूते वगैरह पहन रहे हैं भाई, मौसम जो है बड़ा खतरनाक हो रहा है। हमारे थानेदार जी अभी पीछे रह गए हैं। भाई थानेदार जी कहाँ रह गए हमारे? हाँ तो गाइस जब हम चल दिए हैं वापस घर की तरफ, ये हमारे थानेदार साहब। थानेदार साहब अपना एक्सपीरियंस आज बताइए, शेयर करिए कुछ। बहुत शानदार, पहली बार आया था मैं तो, मजा आ गया। ये हमारे थानेदार साहब, बताइए अपना एक्सपीरियंस बताइए। बहुत बढ़िया भाई साहब, मजा आ गया। कैसा लगा आपको? बहुत शानदार। चढ़ाई? चढ़ाई में मजा आ जाता है, ऐसे समझे जैसे हम ऋषिकेश में घूम रहे हो। और उतराई? उतराई कैसा था? उतराई कैसा हो गया? चलिए, छोटी मोटी चोटें लगती रहती है लेकिन हमारे भाई की हिम्मत का मानना पड़ेगा कि हमारे साथ चलती है। बहुत डर रहे थे ये, इनका हाथ पकड़ पकड़ के लेके गए हम। नदियां क्रॉस करते हुए पैरे कांप रहे थे हमारे, इन्होंने हमको नदियां पार कर रही है। डर घबराहट देखिए सब जगह थी लेकिन ऊपर तक हम पहुंच गए। फिर हमने माउंटेन ड्यू, फिर हमने माउंटेन ड्यू पी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्रेस कीजिए दोस्तों लाइक बटन, कमेंट कीजिए दोस्तों कोई भी क्वेरी हो आपके माइंड में। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल हैकर्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस तरह की मैं वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में।